आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए आदमी मजदूर है राहें बनाने के लिए। ECL में नाम है जिस जिसका डाला जा चुका, कर रहा है कोशिशें वो भाग जाने के लिए। भैया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कहां पे डॉलर छुपा रहे हो? हैं, दिल घबराता है, आंख भराती है, सर्दी आती है, गैस चली जाती है। भैया मसाइल तो है और भी, पर वो तशरीफ ला रहे हैं, क्या नाम है उसका लंबे का, क्या वो है वाजे चौधरी। हाँ मुस्कुराते चेहरे आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। आज तो कमाल लग रहे हैं आप उदास साहब। थैंक यू सर, आप भी कमाल लग रहे हैं। थैंक यू। क्यों बनाए कि दूसरे की तारीफ कर रहे हैं? क्यों, इको रेडी तो खरीदी है ना। मैंने तो यूके से ली थी, आपने भेजा? यूके तो तेरा ताया ऐसी उन्हें इतो लेके देती थी। यूके पूरा होता क्या, एब्रीविएशन किस चीज की है, आप बताएंगे उदास साहब? यूके जी। आप गए हैं कभी? जी जी। तो फिर मेनू कल ही पूछ रहे हो? उदास साहब बताए तो सही ना, यूके क्या है? नहीं मेनू नहीं पता। आप कितनी बार जा चुके हैं यूके? मैं कोई 17-18 तो। यूके वाले ये नोट कर ले, 17-18 दफा ये जा चुके हुए हैं और इनको यूके का नहीं पता, अगली बार वीजा आप लोगों ने अपने रिस्क पे देना है इनको। लेकिन जो भी ये है पढ़े लिखे ने, पावे यूके का नहीं पता। अच्छा, यकीन करो मोटरसाइकिल ते जा रहे थे, कुड़ी ने मोटरसाइकिल लग गई। कुड़ी कहती ये क्या कर रहे हैं? कहते मैं ते BA कर रहा, तुम क्या कर रही हो? इन्होंने एक बंदे ने मोटरसाइकिल मारे, कहते तेरे को ब्रेक नहीं बजती, कहता पूरा मोटरसाइकिल मार दिता, ब्रेक पीछे रह गई। आज नाश्ते में भाभी से भी फेंटी खा के आए। क्यों? अच्छा? भाभी ने किधर प्यार आया तो उन्होंने किया, भाभी ने जान अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अगो कहने ने ओहो मैं तो ये सोच रहा अगर तुम ना मरी तो मैं क्या करूंगा। क्या ये सही कह रहे हो दास साहब? मैं तो छोटा जहा। भाभी ने कहती आप क्या कर रहे हैं? मैं मैं FSC कर रहा हूँ। कहनी जो मर्जी कर पर नाल पढ़ाई जारी रखनी है। सही कहा, जो मर्जी करे साथ पढ़ाई जारी रहनी चाहिए और जिस मर्जी पार्टी की तरफ से सियासत करे लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA है लाहौर से, जनाब वहीद आलम खान। जहां कहीं नून लीग पाई जाती है वहां पे दो लोग आपको जरूर नजर आते हैं, पहले का ताल्लुक नैब से होता है और दूसरे का PTI से। हमारी दूसरी मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP है पंजाब असेंबली में, मोहतरमा मोमना वहीद। वेलकम टू द शो सर, आज एक स्पेशल शेर लाया हूं आपके लिए। मौजदा बार बार थोड़ी है, वहीद आलम साहब जो हैं बड़े मुश्किल मरला था इनके इलेक्शन जी का। बिल्कुल। मौजदा बार बार थोड़ी है, जिंदगी कुए यार थोड़ी है, शोर है आप कान मत धरना, आह मेरी पुकार थोड़ी है, जिनके बिछड़ने से लोग मरते हैं उनमें अपना शुमार थोड़ी है। मेरा शेर अज मेरे ते ये ठीक है। नहीं, मेरी ब्यूटी नू ते जून जलाइया मार गईया। वाह वाह वाह। मेरी ब्यूटी नू ते जून जलाइया मार गईया, मैं जिन्नू वेन सज्जन कहिंदे ऊहूं तेरी भाभी है, मैं जिन्नू वेन सज्जन कहिंदे ऊहूं तेरी भाभी है, मैनू ते धक्का जोरी दियां भरजाइया मार गईया। उस बेवफा को न आया हमारी वफा पे यकीन, उस बेवफा को न आया हमारी वफा पे यकीन, मैंने कहा मर जाऊंगा हिब्बा, वो कहती आमीन। नाजुक सूरत हाल है आपकी कैसर पिया साहब, और नाजुक सूरत हाल से याद आया सर, क्या हाल है नून लीग का? ठीक है, ठीक ठाक है, आप सुनाए खुशबाश। इंशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा जैसा कि इंट्रोडक्शन के अंदर के जब भी नून लीग वालों का जिक्र होता है आजकल तो या नैब वाले निकल आते हैं, PTI वाले नजर आ जाते हैं, तो आज आपके साथ PTI वाले बैठे हुए हैं, क्या आप इस बात से खुश हैं कि नैब वाले नहीं है कम से कम? इन्होंने तो भेजे नैब वाले।
नहीं नहीं, वो खुद आए हुए हैं। हमें भी जबरदस्ती नए वाला बनाया जा रहा है सबको। अच्छा, एक्चुअली ऐसा मामला नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। और वहीद साहब, आपका जो हलका था, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया था शुरू में कि बड़ा एक मुश्किल हलका था, आपने डॉक्टर साहिबा डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त दी और बड़ा एक कांटेदार मुकाबला था, बड़ा आपका तो एक इसे कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट नाम था जो कि वहां से नहीं जी सका, मगर बड़ा एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था। आप भी क्या समझते हैं कि मुकाबला बहुत था मुश्किल में? एक्चुअली लोगों की नज़र में था, मीडिया की नज़र में था। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे कभी ये शाबत तक भी नहीं हुआ कि यास्मीन राशिद जीत जाएंगी और मैं हार जाऊंगा। अच्छा, तुसी भी जोगर पहन के फिरते रहे इलाके में? कह रहे आप भी जोगर पहन के फिरते रहे इलाके में कैंपेन? मेरे पास एक चप्पल थी पिशावरी, वो पहन कर फिरता। अरे वाह वाह, चप्पल पिशावरी में पार्टी में इजाफा करूंगी। वासी असल में वो जो खादिम आला थे वो लंबे बूट पहन लेते थे, तो वो जोगर शोगर की कसर वही निकाल लेते थे। पूरे पंजाब में उनका यही काम था, लंबे बूट पहन के। मगर आप ये देखें उनका कितना एक आप कह ले उनसियत है आप लोगों से कि वो पेशावरी चप्पल पहन के कैंपेन करते हैं। बिल्कुल, ये ट्रेंड सेटर हैं हम लोग। ट्रेंड सेट, आपके ख्याल में वैसे पेशावरी चप्पल वाले को तो पीटीएम में नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? होना तो आप कहें ना वही आलम साहब को, आपने कोई दावत दावत देती हूँ कि एक बाइज्जत पार्टी में आपको मैं आने की दावत देती हूँ, आप तशरीफ लाएं। वादे वईद और बहुत अच्छे ताल्लुकात सबके होते हैं अपनी अपनी पार्टीज में, लेकिन जब एक बुरा वक्त आ जाता है लीडरान के ऊपर और जो केसेस बनते हैं और वो सच्चे भी निकलते हैं, केसेस सारे चल भी रहे हैं, अब नवाज शरीफ साहब इस्तिस्ना मांग रहे हैं अपनी की भी तकरीरों पे, मतलब जो अवामी वादे थे जो आवाम से करते थे, अब तो किसी भी तकरीर के लिए वो कह देंगे। दावत दें आप, ये क्या करना शुरू हो गई है? मैं तो उनको कायल कर रही हूँ ना। आपसे ज्यादा एज है उनकी, उनको आप सियासत में बहुत अरसा हो गया। जी जी, मुझे पता है, मुझे तो वो उनको पता होगा। आप उनको सादा सी दावत दें। जो होती है ना हमारी वाबस्तगी वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, फिर तो आपके ख्याल में बड़े पक्के किस्म के वर्कर हैं, ये नहीं आएंगे आपकी तरफ? पक्के वर्कर हैं या नहीं, पक्के नून लीगी जरूर है। जब उन्होंने चप्पल पाई उदों तो ही बुलांदे ते खरे आ जांदे, हुण ते उन्होंने ला दी। नहीं, अब तो वो चप्पल रही नहीं उहदे ते, हुण प्याले ला ले। बात ये है जी के सियासत जो है एक नजरिए का नाम है। मैं क्योंकि नजरियाती आदमी हूँ, मेरी वाबस्तगी पार्टी के साथ, मेरी विरासत के साथ है। मेरे वालिद मोहतरम भी मुस्लिम लीग में थे, कायद आज़म के साथी थे, तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल उनको मिला हुआ है, और वो लाहौर में मुस्लिम लीग के पहले प्राइमरी मुस्लिम लीग सिविल के जनरल सेक्रेटरी थे इन 1942। और ये भी एजाज़ हासिल है मेरे वालिद साहब को कि मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली खान, उनकी जो बेगम थी लियाकत अली खान की, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट भी हमारे वाली साहब को मिला हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के लिए जो चंदा होता था उस वक्त इकट्ठा करने में मेरे वाली साहब जो थे वो उसमें। सर, मुस्लिम लीग के जितने भी सरबराह आपकी बात तो मानते होंगे, तो डार साहब मुझे वापस ले आओ फिर। जी इंशाल्लाह जी। दूसरी बात यह है कि मेरे वाली साहब 1948 में भी मेम्बर रहे लोकल गवर्नमेंट के, 62 में 67 में भी रहे, और मेरे वालिद साहब 7 किताबों के मुसन्नफ भी हैं, जिसमें एक कायदे आज़म पर है, एक पाकिस्तान पर है, एक इलामा इकबाल पर है, एक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और इस तरह और 2-4 किताबें उनकी हैं, दीवान भी है उनका, उनके मुसन्नफ। तो मोमना जी, इतनी ज़्यादा मुस्लिम लीग तो नहीं आप निकाल सकेंगे, क्या ख्याल है? नहीं, बात यह है, देखिए मैं एक अर्ज करूँ, जो मुस्लिम लीग है ये एक जमात है, एक नज़रिए का नाम है। पीटीआई इनकी जमात है, ये अपनी जमात पे हर आदमी अच्छा लगता है अपनी जगह पर, लेकिन इनकी जमात में और हमारी जमीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इनका कोई नज़रिया नहीं है, इट्स जस्ट लाइक ए क्लब। क्लब? जस्ट लाइक ए क्रिकेट क्लब। कौन सा क्लब है, क्लियर कर दें? ये क्रिकेट क्लब, इमरान खान क्रिकेट क्लब है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अच्छा, इससे ज़्यादा, क्योंकि इन्हें सियासत का नहीं पता। अच्छा, कि सियासत क्या होती है, किस तरह करते हैं, और उसका जो मुजाहरा है वो आप नेशनल असम्बली में भी देख रहे हैं और दूसरी जगह पर भी देख रहे हैं। जो इनके वहाँ पर जो वुजारा हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की असम्बली की जो पोजिशन है उसको, और उनके जो बयान आते हैं, जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, उसमें नहीं लगता कि इनका ताल्लुक सियासत से है। तो ये बताइए मोमना जी के क्लब के अंदर आप फील्डर हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, क्या हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ। और दूसरी बात ये है कि क्लब जब इन्होंने कहा तो आपने दोबारा से पूछ के वो बड़ा अच्छा सा सेफ कर दिया कि चले क्रिकेट क्लब कह दिया। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, अभी हमें सियासत नहीं आती, तो इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब अपने बयानों से फिर रहे हैं, कतरियों के खत आ रहे हैं, बच्चों के जवाब देने का मैं मजाज नहीं हूँ, इस किस्म की बातें आ रही हैं, अभी हमें सियासत नहीं आती।
अभी जरदारी साहब के पैसे लोगों के अकाउंट्स में से निकल रहे हैं, आज एक वो जरदारी साहब के पैसे हैं जो अकाउंट्स आज एक रिक्शा चलाने वाले की दुबई में जायदाद निकल आई है, तो ये गलत सारी चीजें चल रही हैं। अभी हमने आपको कैसे पता है कि वो जरदारी साहब के जिस रौनक के साथ उन्होंने बात की है, क्या वो उस चीज का सबूत नहीं है कि अगर मेरे पैसे डाल भी रहा हूँ अकाउंट्स में तो आपके पास क्या सबूत है, आप क्या कर लेंगे? ये क्या कहती है, ये बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, ये लबो लहजा क्या कहता है, ये सब लोग जानते हैं। बाजी छोड़ो इन गलों को, तुसी आज बहुत प्यारे लग रहे हैं बात। बहुत शुक्रिया, ये शुक्रिया जो अदा किया आपकी बात पे यकीन करके नहीं किया, क्योंकि मैं आपके सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ, आप सबकी तारीफ ऐसे ही करते हैं, कुछ अलग अलग तरह की। लेकिन मैं यकीन करो बाजी किसी ने नहीं किया तुम क्या नवाज शरीफ की बात की, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, जो भी आपको तक हो रहा है किसी जगह पर किसी मरहले पर उनका नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। तमाम ये सियासी मुकदमात हैं और जिस तरह पहले बनते रहे हैं उन पर माजी में और ख़त्म होते रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि ये भी सियासी मुकदमात हैं, सब में इंशाल्लाह वो बरियुज़ ज़िम्मा होंगे और नीट एंड क्लीन निकल कर आपके। अच्छा भाई साहब जो तो बोलते हैं लगता पीटी भी शुरू हो गया, नाज़रीन सुई में धागा ऐसे डालते हैं तो बड़े सॉफ्ट बोलते हैं ना वो, अच्छे तो वो साथ आपके बैठे हुए हैं ना दूसरे आजकल के प्राइवेट चैनल्स भी होते फिर मैं खुद भी प्राइवेट चैनल पे बैठी हूँ देख लें, तो फिर वही ना दोनों नुमाइंदगी हमारे पास है इस वक्त, दोनों नया और पुराना पाकिस्तान साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल साथ साथ है, बल्कि एक ही पाकिस्तान। क्यों हमें नया पाकिस्तान के ऊपर लगाए रखा है? भाई उसी पाकिस्तान को नया किया ना, उसको जरा साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही है नया पाकिस्तान। कॉलेज वॉलेज मारी आप लोगों ने? बिल्कुल उसी को। पंजाब असेंबली कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, गो की कोशिश की जा रही है कि ना चले। अभी ऐसा है कि हर सेशन में एक ड्रामा जरूर होता है। एक बात बताइए, कैसा लगता है जब आप असेंबली चलाना चाह रहे हो और सामने ऑपोजिशन ना चलने दे रही हो, कैसा फील होता है? भाई उनका जो वो करते हैं वो उनका नजरिया है, सो नहीं, नहीं, वो तो है, आप नजरिया अपनी फीलिंग बताएं, उनकी फीलिंग में ना जाएं। बिल्कुल मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं तो बड़े आराम से बैठती हूँ। अच्छा, बल्कि मेरे जो साथी चल रहा होता है, मेरे जो एसी तो आजकल मौसम नहीं है, लेकिन जब मेरे साथी उठने की कोशिश करते हैं जवाब देने की, तो वो बड़ा ये एक चीज है हमारे अंदर के बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम रहे हैं 5-6 साल सारी इसी तरह के सिचुएशन के अंदर, के जी बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियां हैं, तो हमें आदत थी बहुत ज्यादा अपने राइट्स के लिए बोलने की, तो वो भी कुछ लोग उठते हैं, मैं कहती बैठ जाओ हम हुकूमत में हैं। अच्छा, ये सिर्फ बोल सकते यानी हैं, कि अपने बंदों को याद कराना पड़ता है कि हम असेंबली के अंदर हुकूमत में कंटेनर पे नहीं है अब। बिल्कुल बिल्कुल, वफाक में भी और यहाँ भी इनके जो अंदाज हैं वही है जो कंटेनर वाले, यही अंदाज हमारी आवाम को भाई, उन्होंने हमें वोट किया और हम ईवानों में बैठे हैं जिनके अंदाज बहुत अच्छे थे, वही ईवानों से बाहर मुकदमा का सामना करें। तकरीर तो को बदलने, आप लोग पुरानी तकरीरों में लगा के बैठे हुए हैं। हां तकरीर पुरानी तकरीर, देखिए जी जब मसाइल पुराने रहेंगे तो तकरीरें भी पुरानी रहेंगी। मुझे बताएं बुज़दार साहब ने कोई तकरीर नहीं की? बुज़दार साहब क्यों तकरीर करें? बुज़दार साहब डिलीवर करने वाले वज़ीरे आला है, तकरीर कहाँ पे करें? वो हुकूमत में है भाई, तकरीरें करना अब जिनका काम है वो कर रहे हैं। असेंबली में तो कर लें, असेंबली में तकरीर वो कर चुके हैं अपनी हलफ ले चुके हैं ना, वो पोर्टफोलियो नहीं है। मोटरसाइकिल चलाया उन्होंने मेरे सामने, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है, सारी दुनिया को तू खूंखार नजर आता है, मेरी तनख्वाह पे तुझको तो खुशी है लेकिन मुझ पर सख्त कर्जदार नजर आता है, कर मेरे साथ तआवुन न किया थोड़ा सा फिर न कहना कि तू बेजार नजर आता है। तक न दिन आ मियां दे नारे बजने जी, मियां दे नारे बजने जी, मियां दे नारे कित्थों ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਵਜਣੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੀ, 100 ਸਾਲ ਰਹਿਣੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैडम ये बताएं आपको कोई अभी तक मिली नहीं कोई मिनिस्ट्री, कोई एडवाइजरी, कुछ किसी जगह पे? अभी बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोसेस में है, यहाँ हमारी असेंबली में अभी कैबिनेट जो है वो कह लें कि एक तरह से मुकम्मल है अभी, और नहीं भी हम जब से आए हैं असेंबली में यहाँ पे हमारे इलेक्शन ही खत्म नहीं हो रहे, लोगों की नाहलियों पे नाहलियाँ चल रही हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह चीजें प्रोसेस में कोई हो सकता है, अगर किस मैं किसी काबिल में हूं आप तो सर्व करना चाहेंगे अगर आपको ओपन ऑप्शन दिया जाए? बेसिकली मैं टूरिस्ट भी हूँ और आर्ट्स के साथ मेरा बहुत ज्यादा लगाव, शायरी भी करती हूँ। फिर कोई शेर सुनाइए आपको, कोई होना चाहिए शेर? तो शेर फौरन आपने कहा तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छा अब आप लोगों को शेर फौरन भी नहीं आता?
इतनी आप लोगों की शेर से इख्तलाफ है कि आपने नहीं नहीं वो शेर है ये शेर है। अच्छा चले देख जो भी है आप सुनाइए। चले मैं आपको अपने हस्बैंड का एक शेर सुना देती हूं। हस्बैंड भी शायरी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो तो काफी मशहूर है। इन्हां नूं वेख के तो शायरी शुरू की थी। अच्छा हाँ जी, शायर दुखी होंदे ने ना बहुत। सुनाइए हमें अपने दुखी हस्बैंड का एक शेर। मयाने लाला ओ गुल सुरखुरु अलाहिदा है, हजूमे सर्व कदा में बितू अलाहिदा है। इधर तर्जमा भी दस दो। तर्जमा का कि या अल्लाह पांच साल काट जाइए। ये समझ लिया मुझे ऑनेस्टली नहीं समझा, इसलिए आप मुझे को बताइए। इसका मतलब ये है कि जो लाला और गुल हैं, जो फूल हैं, ये सारे फूलों की बहुत सारी किस्मों में, उसमें तुम बिल्कुल नुमाया और अलग हो। हजूमे सर्व कदा, जो सर्व के जो बूटे होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी तुम नुमाया नजर आती हो। ये आपके शौहर ने कहा? जी हाँ। लेकिन शादी से पहले? जी हाँ। तो अब कोई आप शादी के बाद का शेर सुनाइए ना उनका, के लाला गिर गया। आजकल के हालात के मुताबिक अब क्या भाई सोच रहे हैं वो उस पे बताइए आप। आपको कसम है आपने सच्ची सच्ची बताना है, एडिट नहीं करना। आजकल की अच्छा गजल वो बहुत अच्छी कहते हैं। अभी रिसेंट जो उनकी वो है, मुझे उसमें से चंद एक अशआर शायद याद रह गए हैं। उसमें कहते हैं कि हमने सहराए जिंदगी देखा जिस तरह सारबान देखता है, वक्त वो तीर है वहीद अहमद जो कमा की उड़ान देखता है। वाह देखा ना, अजीब एक दुख और एक मिस्ट्री आ गई शादी के फॉर्म में। लेकिन भाई साहब देखो भी शेर बहुत अच्छा है कि मैंने एक मौत का मंजर देखा जब उसे मेकअप के बगैर देखा। वही साहब आपको शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी है? जी नहीं मुझे नहीं है, मेरे वालिद साहब मोहतरम जैसे मैंने बताया वो तो बिल्कुल, उन्होंने तो किताबें भी लिखी हैं। किताबें लिखी हैं और एक शेर में सिर्फ लाहौर के बारे में उन्होंने किताब लिखी है जी जी। इसमें पाकिस्तान के तमाम जो शहर हैं उनमें जो सनत व हिरफत है, जो सकाफत है, जो तहजीब है, जो तमद्दन है, उसको उन्होंने उसमें किताब में शेरों की सूरत में, यानी आपको जिस शहर के बारे में शेर चाहिए उस किताब में आपको। सिर्फ लाहौर का एक शेर जी, वो कहते हैं कि मेरे लाहौर का जवाब नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा गुलाब नहीं। वाह 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 वाह। Good, how are you? You know, I am very disheartened today. You're always disheartened. You know, I am very hungry last from 3 days. Ab kya hua hai? Pukhaan ne maar dita. You know, PTI da jadon da zamana hai. Meri te zindagi barbaad ho gayi. Aye, aye. You know, Muslim League noon di hukumat si. Miyan Shanaz Sharif sahab. Shanaz Sharif. Miyan Shanaz Sharif sahab. रोज किसी नवे प्रोजेक्ट नूं ओपनिंग करते हाँ, सन बिल्कुल उथे तख्तियां लगदियां हाँ। सन मैं उथे सॉन्ग गांदा सा या 5-6 हज़ार रुपया ते वट ते पिया हुंदा हाय 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 हाय। जदों दी पीटीआई दी हुकूमत आई है ना कोई प्रोजेक्ट ना कोई खान पीन दा। ये तो आई वेंट टू द पुरानी अनारकली। ओके उथे मैं स्टाल वाले नूं कहा मैं कहा कुड यू प्लीज गिव मी स्मॉल प्लेस। हां ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ 10-12,000 ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੰਦ ਹੋਆ वो लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं तो तुम खुद ही उनसे बात कर लो। वाओ। यस हमारे पास आज नून लीग और पीटीआई दोनों बैठी हुई हैं। एक वो जिनसे तुम बड़े खुश थे पहले क्योंकि इफ्तिताह हो रहे थे। आई लव नून और पीटीआई वाले ना खुद धरना कर रहे हैं और ना किसी चीज का इफ्तिताह कर रहे हैं तो तुम्हारी दिहाड़ी बिल्कुल मर चुकी हुई है। मैंने तो पीटीआई के
ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪ ਤੁਮ ਖੁਦ ਇਨਸੇ ਡੀਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅੰਕਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇ ਟੱਕਤੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ चलो कुछ नहीं मिलिया हौसला तो है ना कि कदी ते इन्हां ते भी अच्छा दौर आएगा मुस्लिम लीग नून आले पैसे देंदे सन अच्छा हुण ओह भी नहीं देंदे भाई साहब किथे रहंदे ने भाई साहब के हलके में खड़े हुए इस वक्त ऐसे ले हां ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ अपना मलका अलिज़बत टेलर मास्टर साहब नहीं और टेलर मास्टर नहीं है सिर्फ मलका अलिज़बत यार उन्होंने मैनु कॉल की तेने चार पांच दिन पहले तुम यूके होके आ भी गए यस वो कैसे डेढ़ दिन तेरे यहाँ सारा टाइम मेरे को भी घट सी उन्होंने को खैर है ही नहीं सी और परसों मैनू कॉल आई मैडम दी मलका अलिज़बत मलका अलिज़बत साहब दी क्या मैनू कहंदे ने मियां अफजल निर्गोली ओए आलू गोभी तेरे हाथ दी खादियां बड़ा टाइम हो गया ते कम टू द यूके मलका अलिज़बत आलू गोभी खाती है मैं सर दो तीन साल पहले उन्होंने आलू गोभी पका के खुवाई सी ना आहो ओ मेरे फैन हो गए यार हाँ जी कुमती सतह ते हमेशा पहली कॉल मेनू कर देने वाह 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 मेनू कहंदे ने कम टू द यूके अच्छा कहंदी मैं तैनू जहाज भेजनी है अच्छा जहाज भेजे उन्होंने अच्छा उन्हें कहा भी सऊदी वाले तुहानू जहाज भेज सकदे ने असीं नहीं भेज सकदे ये भी है कल्ला ही जहाज दे विच बैठा ओए होए होए ओए जहाज दे विच इंज इंज करदा गया मैं वाह वाह सवारियां ते है नहीं सन मैनू कहंदी ने कि तेरे मुल्क वास्ते मैं 40-50 million तेन दे रही हूं पाउंड पाउंड है? मैं रोज का मैं मैं नहीं पता क्यों घाट है गए ने तुम्हें कितने चाहिए मैंने चाहिए थे 40-50 billion 40-50 billion मैंने कहने ने के खिदमत की घर दे सारे चूहे छड़ दे के मामू दी लत्तां गुड्डो पहले मैं उन्हां दी लत्तां गुट्टियां अच्छा हाँ फिर उन्होंने मेरिया अच्छा मैं कह दियो पैसे अच्छा कहंदी ओ एक्सक्यूज मी ओ चाबियां जिहड़ियां ने ओ चार्ल्स दे कोल ने चार्ल्स जिम गया होया सी अच्छा तुम्हारे को चाबियां होनी चाहिए मलका अलिज़बत के पास अपनी तिजोरी की चाबियां नहीं है हाँ अच्छा ते मैं के चाबियां या तुम्हारे को होनी चाहिए या तुम्हारी नौवां को होनी चाहिए हाँ कहंदी है नवीं नौवां ते मैनू एतबार नहीं हाय हाय एडे मजाइया ने एडे मजाइया ने हाँ के मैं कदी कदी हैरान हो जाना ये किधर गए इधर मैं वो देखे भी गया गलती से अच्छा जी हाँ ओ फिर जनाला फाइनल गुफ्तगू करके कन्वर्सेशन करके आज मैं लैंड होया वाह वाह यार तुम तो मलिका अलिज़बत तक ही पहुंच गए जी सर बड़ी नाइस खातून है मां से मैं तो कभी कभी मैं ओ माशाल्लाह मोमना मुस्ताकिम साहिबा नहीं है ये मुस्ताकिम साहिबा नहीं पीटीआई यस आप बड़े काबिल वर्कर ने अपना मोमना वहीद आलम खान साहिबा नहीं यार मोमना वहीद वो है वहीद आलम खान वो है हाँ वही मैं कह रहा हूँ तोड़े नाल मैं नहीं बोलता तोड़े नाल मेरी कच्ची है किन के साथ इन्होंने मेरी फुफी नु हराया सी
हर बंदे दे घट हो जाना कोई मर जावे ए कोई पैदा होवे ए ए बड़े खिदमतगार आदमी ने अगली हुकूमत तुहाडी है सर यकीन है इंशाल्लाह तुम आप कहो कह रहे इंशाल्लाह ए मियां शबाज शरीफ दे सिर्फ बाहर आन दी देर है और मैनू लगदा बाहर नहीं आन लगे Can I have a one photo, please? हाँ मैं जरा रिकॉर्ड इच रखनी है अगली बारी भी जिद्दे हो कि नहीं और जितना ही जितना तुसी आप कहाँ है फोटो जेड़ा तन मच्छर जा नजर आ रहे हैं ही नहीं उत्तर मच्छर ते मैंने लड़ दा ही नहीं क्यों चाट दे लम्बी गाल जाओ तुसी वन अच्छा हो सकता मैं कनाडा चला जावा क्यों उन्हें बोल भी कुछ 150 मांग के ले आइए अच्छा रहा सर मुल्क की मईशत नु मुस्तहकम करना इंतहाई जरूरी है बहुत शुक्रिया आपका यानी हुन काफी हो गई है जी लेकिन काफी और होनी है तुम्हारे नाल सर एक डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देकर किसकी जान बचाना चाहेंगे इमरान खान और आसिफ जरदारी साहब नहीं मेरे लिए इसके जवाब में किसी एक को भी लाइफ जैकेट नहीं देनी आपने नहीं ये बात नहीं है ये बड़े लोग हैं लोग छोटे कर दो नहीं 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 ऑप्शन चेंज कर दो आपके लिए अजीब आप उधर से ले लें जनरल नॉलेज नहीं सर आप वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी हिबा अजीबो गरीब क्या है जी दुनिया का पहला रोबोट प्रोग्राम होस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया गया है खबर है चीन से जहां पे माहिरीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल एक रोबोट एंकर इंट्रोड्यूस कराया है जो कि ना सिर्फ अच्छी होस्टिंग करता है बल्कि बात और मौके की मुनासिबत से अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज भी कर सकता है तो आप इस बारे में क्या कहेंगे हिबा सर इस गल का तो सानू बड़ा फायदा होना असि तेरी जगह रोबोट बिठा देना सुकून ना खबरें फीड करनिया उन्हें पढ़ देनिया कोई रिटेक ही नहीं यकीन करें सबसे ज्यादा उस रोबोट का हमें ही फायदा होगा वो क्यों वो एक्सप्रेशन तो चेंज करता है ले जी हमारा एक सेगमेंट है सर 2020 का आपसे सवाल पूछूंगा और आपको साथ ऑप्शंस दूंगा मैं उनमें से किसी एक को आपको अपना जवाब बनाना होगा अगर आपको कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं दे पा रही तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन में से सवाल उठा सकते हैं तो पहले आप किसके साथ शुरू करें बताएं जी लेडीज फर्स्ट करें पहले चलिए तो ये बता दीजिए चेयर लिफ्ट एक है जो दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है नीचे खाई है ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं और ये 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट फंसी रहनी है यहाँ पे तो किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं मरियम औरंगजेब और शहरी रहमान मरियम औरंगजेब कोई खास वजह बस वो मेरा ख्याल है कि मेरी एज फेलो भी हैं तो हमारी गपशप अच्छी रहेगी अरे वाह ये देखें आज मरियम औरंगजेब के साथ इन्होंने प्रेफरेंस दी है टाइटैनिक पे जाने का वक्त है पुराना जमाना है दो वीआईपी पास थे एक तो आपका अपना है दूसरे भी किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं टाइटैनिक पर इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और फैसल वाडा फैसल वाडा ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगी किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी ऑप्शंस आपके पास हैं उस्मान बुज़दार अलीम खान और जहांगीर तरीन तो किसका फोन आए तो आप फौरन उठा रही हैं उस्मान बुज़दार किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं अलीम खान किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगी आप तरीन साहब जहांगीर तरीन साहब आपका फोन बंद करके साइड पे रखा जाएगा ये बताइए मैडम एक गाड़ी में जा रही हैं आप खान साहब से मिलने प्राइम मिनिस्टर हाउस गाड़ी आपकी अपनी है आपका ड्राइवर चला रहा है और आप आगे बैठ गई हैं अब पीछे कोई तीन लोग आप अपने साथ लेके जा सकती हैं वो कौन से तीन लोग होंगे जो कि आपके साथ जाएंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं अली मोहम्मद खान शाह महमूद कुरैशी परवेज खटक और गवर्नर सरवर खटक साहब ठीक है कुरैशी साहब ठीक है और अली मोहम्मद खान साहब चौधरी मोहम्मद सरवर को आपने गाड़ी से बाहर कर दिया हमारे गवर्नर हैं बस वो खुद मिल लेते हैं अच्छा जी चौधरी सरवर साहब आप हमारे गवर्नर हैं लेकिन आपको अपनी गाड़ी में इन्होंने नहीं बिठाना अपनी गाड़ी में ये बाकी तीन लोगों को बिठाएंगी बिल्कुल ये बताइए आप मैडम एक डूबती कश्ती है दो लाइफ जैकेट्स हैं एक आपने खुद पहन ली है दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकती हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी
ऑप्शंस आपके पास हैं, अलीम खान और उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार को आपने बचाया, कोई खास वजह? पूरा सूबा उनके पास है ना, इसलिए पूरा मैंने सूबा बचाया, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचाई। वाह वाह वाह, बड़ा ही एक क्लियर जवाब था अलीम खान साहब, इन्होंने पूरा सूबा जिसके पास है उसको बचाया है, उसको नहीं जिसके पास सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और बड़ी को खास वजह होगी जो उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और अलीम खान को नहीं बुलाया गया। बहुत सारी तालियां इनके लिए। वहीद साहब, सर आइडिया हो गया किस तरह खेलते हैं? जी जी। सर ये बता दीजिए, आप भी एक चेयर लिफ्ट के ऊपर फंस गए हैं, दो पहाड़ों के दरमियान चेयर लिफ्ट रुकी हुई है, 7-8 घंटे रुकी ही रहनी है। उस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप इनमें से किसके साथ बैठना चाहेंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं सर, वो हैं फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी। दोनों के साथ नहीं। फिर आपको उस सूरत में जनरल नॉलेज के सवाल पे जाना पड़ेगा। चले जी, नहीं जी, जनरल नॉलेज पे चले गए, दोनों के साथ नहीं बैठना चाहते। वहीद साहब, सर ये बताइए, इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किस तारीख को हल्फ उठाया था? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो मानते नहीं वजीर आजम उन्होंने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात एक तयशुदा अमर है, इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। सर ये बता दीजिए, आप भी जा रहे हैं मियां साहब से मिलने, जाती उम्रा, गाड़ी आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी में 4 सीटें और बाकी हैं, कौन से होंगे वो 4 लोग जो कि आपके साथ आपकी गाड़ी बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, मुशाहिदुल्ला, एहसन इकबाल, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्ला। मैं 5ों को बिठा लूंगा सर, स्पेस पैदा कर लेंगे क्योंकि ये इसने सर, भाई के लोग हैं सब। अच्छा जी हाँ। अच्छा सर, मैं एक चीज तो पहले वो क्लियर करूँ कि आप मुझे नहीं पता किसको किसकी गोद में बिठाना चाह रहे हैं। गोद में बात नहीं है, बड़ा अजीब लगेगा अगर मुशाहिदुल्ला साहब की गोद में राणा सनाउल्ला गोद की बात, आसिफ साहब आबिद शेर अली की गोद में बैठे हैं। बहुत मैं इसलिए इसमें सब एक आदमी जो होता है वो बाहर रखते हैं, बाकी 4 जिस तरह उन्होंने भी 4 बिठाए अपने साथ, सूरत में मेरे फिर से जनरल नॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज में जा रहे हैं, वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। सर इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? मुझे इल्म नहीं इस बात। सर ये बताइए, अलिफ बे पे ते, ये टोटल कितने हरूफ होते हैं? 24 हैं शायद। नहीं सर, ज्यादा है इससे। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त लाहौर के अंदर कितनी सीटें हैं एमएनए की? जी आप 11 है जी। 11 सही जवाब है। सर एक 14 घंटे की लंबी फ्लाइट है, आप कहीं अमेरिका जा रहे हैं और आप बिल्कुल निडर होकर जा रहे हैं, नैब वालों की वैसे नहीं जा रहे हैं, वैसे ही आप जा रहे हैं। आपने 2 सीटें बुक करवाई हुई थी, एक पे आप खुद बैठ गए हैं, दूसरी सीट पर आप किसी और को अपने साथ बिठा सकते हैं। उस दूसरी सीट पे आप अपने साथ किसको बिठाना चाहेंगे? आपके पास जो ऑप्शंस हैं, मुराद सईद और कतरीना कैफ। दोनों को नहीं। फिर जनरल नॉलेज पे जाना। सर दुनिया का सबसे छोटा बर्रे आजम कौन सा है? ये भी मुझे नहीं। सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली क्या है, महीने के साथ? 25 दिसंबर 1949। आपको यकीन है? मेरा ख्याल है यही है। उन्होंने मिठाई वंडी, उन्होंने पता होना। आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप मेरे जनरल नॉलेज के और सवाल जाया नहीं करेंगे। सर एक डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, किसी एक को आपको लाइफ जैकेट देनी है क्योंकि एक आपने खुद पहन ली है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देकर किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, इमरान खान और आसिफ जरदारी साहब। बात यह है जी कि सिर्फ नाम लेना है जी, सिर्फ नाम ले दीजिए बस प्लीज। नहीं मेरे इसके जवाब में किसी एक को भी लाइफ जैकेट नहीं देनी आपने? नहीं ये बात नहीं है, ये बड़े लोग हैं, इनका अंदाज, इनकी क्या लोग छोटे कर दो? नहीं चेंज कर दूं आपके लिए? अजीब, आप उधर से ले लें जनरल नॉलेज। नहीं सर आप वर्ल्ड कप मिल गया जी। सर उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर पंजाब का किस शहर से है? तौंसा से शायद, उधर से है वो, तौंसा शरीफ। चले कम से कम इनको उस्मान बुज़दार साहब के बारे में नॉलेज बिल्कुल पूरा है। बहुत सारी तालियां वहीद साहब के लिए जी। वहीद साहब थैंक यू सो मच, मोमना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।